इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज हम मंगला डैम मौजूद है, मंगला डैम में हम आपको विजिट करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान गाइस, मैं आपका दोस्त अरसल आइडियाज वाला और आज हम जा रहे हैं मंगला डैम की जानिब। सुबह थोड़ी धुंध थी जिसकी वजह से हम थोड़ा लेट हो गए। आपने जब भी जाना हो तो थोड़ा टाइमली निकलेगा ताकि बंदा वहाँ पे जाके थोड़ा एंजॉय भी कर लेता है। अभी ऑलमोस्ट 10 हो गए, अभी हम काक पुल हमने क्रॉस किया है और यहाँ से 2 से 2.5 घंटे हमारे लगेंगे। और आप इधर आके हम जरा नाश्ता मारेंगे। ये हमारे साथ आपस आ भी है, बहुत भूख लगी हुई आसफ भी है। पहले पेट पूजा फिर कब पूजा, हमने सोचा पहले नाश्ता कर लें। यहाँ पे हलवा पूड़ी हमने मंगाई है, ये सारे पुलिस भी हमारे साथ, आसिफ साहब सुल्तानों के सुल्तान, उमर सुल्तान भी हमारे साथ, लेट खान और लेट खान नहीं खानों के खान लेट खान। ये जी हम दीना पहुँच जाए, बस थोड़ी सी हमारी मुसाफत रहेगी है यहाँ से। ये दीने से जी 25 किलोमीटर है आगे। गाइज मैं आपको दो सर सल आइडियाज़ वाला, जैसे कि आपको हमने सुबह बताया था कि आज हम मंगला डैम जा रहे हैं, तो ये मंगला डैम का एक रिजॉर्ट है, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो ये सामने आप व्यू देखें, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है इसका। सामने बोर्डिंग भी अगर आप करना चाहें, काफ़ी कसीर तादाद में जो है आवाम आई हुई है यहाँ पर और हमारे कैमरा मैन आपको दिखा रहे भी हैं। ये सामने दिखाएँ, यहाँ से अगर आपने बोर्डिंग भी करनी है तो यहाँ से टिकट वगैरह लेके बोर्डिंग जा सकते हैं। और कसीर तादाद में आवाम आई जा रही है। ये हमारे भी दोस्त आए हुए हैं हमारे साथ आज, और वो अपने अपने जो है इन्जॉयमेंट में लगे हुए हैं, और ये हमारे कैमरा मैन भी साथ इन्जॉय कर रहे हैं। बेसिकली ये भी घूमने फिरने आए हैं यहाँ पे, चढ़ने लगे हैं। इसके लिए ज़रूरी है एहतियाती तदाबीर, ये लाइफ जैकेट आपने ज़रूर पहननी चाहिए क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गहरा है यहाँ पे, तो बचने का कोई चांस नहीं है। आप एहतियाती तदाबीर ज़रूर करनी है। चले अब आए ज़रा, बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, बोट पे हम बैठ चुके हैं, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं सब दोस्त, हल्ला गुल्ला हो रहा है बहुत ज्यादा। और ये जुनैद से हम बात करते हैं जी, आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके? अच्छा फील हो रहा है, काफी प्यारी जगह है, पिकनिक के हवाले से बहुत बेहतरीन है। आप फैमिली को लेके और काफी जो दोस्त आप यहाँ पे हो भी जाएंगे। जी ये नेक्स्ट पर्सन आसिफ साहब है, इससे बात करते हैं कि नहीं यहाँ पे आगे कैसा है। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा मौसम है, आप लोग आए बहुत इन्जॉय करेंगे। जी आबा साहब भी जो है बहुत जोश लग रहे हैं यहाँ पे आके, बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे, इतना बहुत मज़ा आ रहा है। और हमारे साथ आकाश भाई भी आए हुए, सनिका भाई यहाँ पर बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। निकाश और गुजर खान वाले ये जी शर्म के मारे ये अल्फाज भी निकल रहे, तो हम बैक टू पवेलियन आते हैं। ड्राइवर साहब से ज़रा पूछेंगे मंगला डैम के बारे में। जी हमारे बहुत सीनियर पर्सन साहब दोस्तों का साथ हो, छुट्टी का दिन और आउटिंग को मज़ा था, ये कैसे वाह वाह, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, पुराने दोस्तों का साथ है और छुट्टी का। वालिद साहब कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, और अभी इन भाई साहब से भी थोड़ी बात करेंगे। जी सर कुछ बताएंगे उसकी गहराई के बारे में? इसकी गहराई तकरीबन 5-6 फुट गहरा, 500-600 फुट गहरा ये भाई बता रहे हैं। तो ये जब भी आप यहाँ पे आए, जब भी यहाँ पे आप आए तो आप कोशिश करें कि यहाँ पे आप लाइफ जैकेट पहन के आए, एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। टाइम से हम निकले हैं और हमारी अगली मंजिल है यहाँ से मीरपुर। अब हम मीरपुर के लिए
रवा दवा हैं, और यहाँ से हम अभी करेंगे पंजाब को गुड बाय, और ये हम बॉर्डर एरिया पे पहुँचे हैं। यहाँ से हम आज़ाद कश्मीर मीरपुर की इंटरेस्ट मीरपुर की हदूद में हो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपने रुकना है, अपनी शनाख्त करवानी है, और उसके बाद अब हम दाखिल हो चुके हैं आज़ाद कश्मीर की हदूद में, और ये मीरपुर शहर की तरफ हम रवा दवाएँ। और यहाँ पे हम अब मछली खाने के लिए जा रहे हैं, यहाँ मंगला डैम की मशहूर तरीन मछली यहाँ मीरपुर पे हम जाके खाएंगे, गुलफाम मछली और झींगा मछली खाने हम जा रहे हैं। तो लेट्स गो मूव। असगर फिश एंड शनवारी रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, जो कि यहाँ मीरपुर शहर में मौजूद है, और इनकी ख़ास बात यह है कि इनके पास फार्मी मछली नहीं होती, मंगला डैम की ही मछली होती है। इसी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा मुसाफत करके मीरपुर में आए, और इनसे स्पेशली और भी रास्ते में बहुत होटल ढाबे वगैरह आए थे जहाँ पे फ़िश फ्राई मिल रही थी, लेकिन हम स्पेशली इनके पास आए और यहाँ पे हम आके अभी फ़िश खाएंगे। और अच्छा खासा बड़ा सेटअप इन्होंने किया हुआ, जब भी आप मीरपुर आएँ तो इनके होटल पर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, यहाँ पर आपको जो है क्वालिटी भी मिलेगी, टेस्ट भी मिलेगा, और जो ख़ास बात है वो है ये है कि डैम की मछली मिलेगी। ये रेट लिस्ट भी हम आपको दिखा देते हैं इनकी, तो जब भी आप मंगला डैम की तरफ आएँ तो आप कोशिश करें इनके होटल पे ज़रूर आएँ और यहाँ से आप फ़िश खाएँ, आपको यहाँ पे मंगला डैम की फ़िश मिलेगी। ये जी गुलफाम फ़िश है यहाँ पर मशहूर मंगला डैम की।